कथा है कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर है, दिस स्ट्रिंग इज 1 मीटर, और उससे मैं एक स्टोन अटैच करके ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। और ये कहता है कांस्टेंट स्पीड से चला, बी केयरफुल, कांस्टेंट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्टोन जो है 22 रिवॉल्यूशन करता है 44 सेकंड में, 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकंड, ठीक है, 44 सेकंड। तो 44 सेकंड में 22 रिवॉल्यूशन करता है, मतलब ये हुआ फॉर वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगा, पूरा टाइम 44 सेकंड लगा, तो 44/22 = 2 सेकंड, ठीक है भाई। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जो है वो 44 सेकंड है, और टोटल रिवॉल्यूशन 22 है, तो 44 में से 22 से डिवाइड कर देते हो, एक रिवॉल्यूशन में आ गया 2 सेकंड लगा। और एक रिवॉल्यूशन में लगा हुआ टाइम, स्पेशल टाइम होता है सर्कुलर मोशन में, वो होता है टाइम पीरियड 2 सेकंड आ गया ना? तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाए, न्यू आ गया 1/2 सेकंड, है ना, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 1/2 सेकंड। अब कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, मतलब स्टोन की एक्सेलरेशन निकालनी है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन का क्या मतलब है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आ जाएगा, वो आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर आर या ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, ओमेगा इज इक्वल टू 2π / टाइम पीरियड और आर, ठीक है। तो अब वैल्यू डाल दो, तो 2π और टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब 4π स्क्वायर और या 4 और टाइम पीरियड रेडियस 1, इसका मतलब यह हुआ कि पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है स्टोन का। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, किसी किसी बुक में इसमें दो दो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, बी भी दिया हुआ और ए भी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल, और बाहर की डायरेक्शन में उतना ही होगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। देखो जब एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन ग्राउंड से ऑब्जर्वर काउंट करता है, और जब मैं अब ग्राउंड से देखूंगा तो मैं सेंट्रीफ्यूगल कभी काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। ये पूछा जाता एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, ठीक है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पूछा जाता, ठीक है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल कंसिडर करते। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर बैठा है, इस पे कोई बैठा है, इस स्टोन पे ही बैठ गया है और वो उसी के साथ घूम रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बी ऑप्शन सही रहता। लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो मैं ग्राउंड से कंसीडर करके चल रहा हूँ, दैट्स वाई द ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। चलो